हमें जानते भी नहीं है, लेकिन हमारा दिल ही ऐसे है। चौधरी देवीलाल की बातों को याद करके थे, पुराने टाइम की, हमारे बुजुर्ग भी इधर ही थे और अब भी, लेकिन हमें नहीं बिल्लू जानता। अच्छा, हमने कोई काम भी नहीं लिया, कभी मिले नहीं आज, कभी नहीं मिले। मतलब इलाहाबाद में आते हैं और जगह आते हैं, कभी भी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाया कभी, कभी नहीं मिला। मिलाने का मौका मिल जाए तो हम हाथ मिला करना क्या, मेहनत करके खाते हैं हम तो, ठीक है। बहुत देवीलाल के भी नेता लोग हैं, हमने तो जो चौधरी देवीलाल ने काम किए, चौटाला साहब ने काम किए, ठीक है। नहीं मैं नहीं गया, जेड़ी गल नहीं असी, मैं नहीं गया, ठीक है। पर जब सरकार आएगी फिर देखेंगे क्या करेंगे। सरकार के पास आते हैं। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? पूरे हरियाणा में मैं तो चौटाला की सीटें 25 मांगता हूँ। अच्छा, 25। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी, और आज मैं मौजूद हूं गांव मोजूखेड़ा के अंदर, जो कि इलाहाबाद विधानसभा के अंदर पड़ता है, और लगभग 2200 के आसपास यहां पर वोट हैं। और हम भी बाकी ग्रामीणों से हम लोग जानते हैं कि किस तरह का जो चुनाव प्रचार इस समय सभी कैंडिडेट्स के द्वारा चल रहा है, और पीछे के चुनाव में क्या रहा था, और क्या कुछ आगे वाले चुनाव में रहने वाला है। तो आइए जानते हैं ग्रामीणों से क्या चल रहा है चुनाव में। तो जो पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पे लोकसभा से पहले, जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव में कौन जीता था यहाँ से, गांव से? अभय सिंह जीते थे। कितने वोट है गांव के अंदर? 2200-2300 वोट है। तो लोकसभा चुनाव में किसने बाजी मारी थी? अभय सिंह चौटाला ने। इस बार क्या लगता है आपको, चुनाव में क्या लग रहा है, गांव का माहौल अगर देखते हैं, नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें गांव में सुनने को मिल जाती है कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस गांव में कौन बाजी मारेगा? यहां तो अभय सिंह जीतेगा। अभय सिंह जी जीते हैं, ठीक है। तो आगे अब भरत सिंह का भी प्रोग्राम हुआ था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गाँव के अंदर, तो भाईचारे के हिसाब से आ जाते हैं सारे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। आपको क्या लगता है जी, क्या रहेगा गाँव के अंदर इस बार? ठीक रहेगा माहौल, माहौल बढ़िया रहेगा। कौन बाजी मारेगा इस बार? अभय सिंह चौटाला। क्या कारण है कि इतने साल लगातार 1996 के बाद में लगातार जो है इनेलो का वर्चस्व जो है इलाहाबाद विधानसभा में रहे, फिर भी मतलब आप लोग इनेलो को वोट दे रहे हैं, तो क्या कारण है? उसी पार्टी में हम तो। अच्छा, उसी पार्टी में, उसी सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारे काम होते हैं बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है जी इस बार क्या होगा? आपको तो बस सही है भाई, सही है, अभय सिंह चौटाला जीतूगा। अभय सिंह चौटाला, आपको क्या लगता है? अभय सिंह ही है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है जी? अभय सिंह जीतेगा, और कौन है जीतने वाला? अच्छा अच्छा, इस बार का जो विधानसभा जो चुनाव है काफ़ी रोचक अभी जो है बना हुआ है। कुछ दिन पहले भाजपा की भी टिकट है अमीरचंद मेहता को मिली है, कांग्रेस की टिकट जो है उनको भरत सिंह बैनीवाल को मिली है, और इनेलो की टिकट जो है अभय सिंह चौटाला को है। तो क्या लग रहा है इस गांव में इस बार कौन बाजी मारेगा? इस गांव में हम तो चौटाला को जिता रहे हैं। अच्छा, अभय सिंह को, मतलब पूरे गांव में अगर सुनने को आता है तो क्या लगता है कि अब तक कौन किसका पलड़ा जो है अभी भारी है? तो बीजेपी का तो यहाँ पर कोई नहीं है, कांग्रेस भरत सिंह का और अभय सिंह का बराबर का। सारे लोग अभी वोट मांगने के लिए सारे नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं अभी तक? नहीं, अभी तक बीजेपी का कोई नहीं आया। अच्छा, बीजेपी का कोई नहीं, कांग्रेस आ गया और इनेलो दोनों के आ गए। आम आदमी पार्टी बाकी है, जेजेपी बाकी है, आम आदमी के भी आए थे। अच्छा, वैसे यहाँ कांटे की टक्कर तो भरत सिंह और बिल्लू की है, मतलब दोनों के अंदर टक्कर है, या फिर कौन टक्कर है? टक्कर है पूरे गांव के अंदर। हाँ, पूरे गांव। 2300 वोट है या 2200? कितने वोट है? 2200 वोट है। 2200 वोट है। हाँ, 2200 वोट में मतलब, हाँ, 2200 कुछ वोट है। हाँ, तो आपको ये लग रहा है कांटे की टक्कर इस गांव के अंदर? बिल्कुल, कांटे गांव के मुद्दे क्या है वैसे इस बार चुनाव वोट मांगने के लिए जब नेता लोग आ रहे हैं, क्या आप उन लोगों को बता रहे हो हमारी ये मांगे हैं जो आप लोग क्या पूरी कर दोगे? अब मांगे तो पूरी कोई नहीं, जो पिछले 50 साल से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, चौटाला साहब के पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो वहीं जुड़े, जाने उन्होंने क्या खा रखा है वो छोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, तो आप उनमें नहीं शामिल हो? मैं भी उनमें शामिल हूँ। मन ही नहीं करता पासे वोट देने का, क्या करें, काम तो कुछ नहीं किया। अच्छा, काम तो नहीं, हमें जानते भी नहीं है, लेकिन हमारा दिल ही ऐसे है। चौधरी देवीलाल की बातों को याद करके थे, पुराने टाइम की, हमारे बुजुर्ग भी इधर ही थे और अब भी, लेकिन हमें नहीं बिल्लू जानता। अच्छा, हमने कोई काम भी नहीं लिया, मिले नहीं आज, कभी नहीं मिले। इलाहाबाद में आते हैं और जगह आते हैं, कभी भी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाया कभी, कभी नहीं मिला। मिलाने का मौका मिल जाए तो हम हाथ मिला करना क्या, मेहनत करके खाते हैं हम तो, ठीक है। बहुत देवीलाल के भी नेता लोग हैं,
हमने तो जो चौधरी देवीलाल ने काम किए हैं, चौटाला साहब ने काम किए हैं, ठीक है। नहीं मैं नहीं गया, जेड़ी गल नहीं असी मैं नहीं गया, ठीक है। पर इनकी जब सरकार आएगी फिर देखेंगे क्या करेंगे। सरकार के पास आती है। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? पूरे हरियाणा में मैं तो चौटाला की सीटें 25 मांगता हूँ। अच्छा अच्छा, 25 ठीक है। और बाकी जो अन्य पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्वेश्चन की है। बच्ची आ गई फिर भी सरकार बना जाने। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आम आदमी है, मेहनत करके हमें कमाना है, तो नेताओं से हमें क्या लेना है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे परिवार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी वोट दे रहे हैं, जानते किसी नेता को नहीं है, कभी हाथ तक भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वोट हम लोग दे रहे हैं। तो गांव मौजूखेड़ा की बात कर रहे हैं, 2200 वोट यहां पर है। गांव के अंदर विकास की तस्वीरें आप लोगों को थोड़ा सा इधर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का गांव के अंदर जो है माहौल है। सर एक बात और पूछना भूल गया था, यहां पे मतलब नशे का कितना बोलबाला जो है भी है? काफी सुनने में आया था मौजूखेड़ा ना योजना सर, यहाँ सिर्फ एक शराब का नशा है और कोई नशा नहीं है। ठीक है, ना कोई फीम, ना बड़े नशों तो बचे है। अच्छा, बड़े नशों से? हाँ, बड़े नशों से है ना, जो चिट्टा हो गया है वो भी शाम को आते हैं, सुबह काम पर निकलते हैं शाम को थके होते हैं, यहाँ से पुआ पुआ लेके पी के अपने घर चले जाते हैं। यही नशा है और नशा नहीं है। ठीक है, इस तरह का मतलब जो है अभी गाँव के अंदर जो है माहौल है। और खेती किसानी की अगर बात करें तो पीछे किसान आंदोलन के अंदर इस्तीफा दिया था, अभय सिंह चौटाला जीते थे, क्या अभी वो प्रभाव अभी बाकी है या कुछ प्रभाव कम हुआ है पहले से? जी हमारे पर तो प्रभाव नहीं, हमारे तो कहते वो मोदी सभी की जमीनें ले जाए, हमें तो कोई असर नहीं, हमने तो मेहनत करके खाना है। ठीक है ठीक है, मोदी ले जाता वहाँ भी मेहनत करते, ठीक है, फिर भी हमें काम मिलता, नहीं लेगा काम फिर भी जिम्मेदारों के करेंगे। हम तो कहते हैं मोदी चाहे तो सभी की जमीनें ले, हमारे साथ काम करें, हम तो ये चाहते हैं। बराबर है, ठीक है। चुनाव लोधी ते कांग्रेस की टक्कर है, टफ है पूरी। अच्छा, पूरे गांव के अंदर? हाँ, गांव के नहीं, सारी सीट ते ही है। सारी सीट ते? कहाँ कहाँ जाए आप पता करने के? सारे गए हैं पंजाबी पिंड, सारे तलवाड़े तो लेके मल्ले के तक। अच्छा, सारी जगह जाके मतलब सारी जगह टक्कर है। हाँ। तो मतलब बरसिंह जी तो कहते हैं पंजाबी बेल्ट में मेरी पूरी पकड़ है। नहीं, इधर ज्यादा भरत सिंह दी, उधर 45-45 इतरे। हाँ, ज्यादा। तो फिर इधर आप टक्कर बता रहे हो, तो अगर जिन पकड़ में मान लो सीट तो टफ है टक्कर पूरी। अच्छा, इधरों ये लीड कटेंगे तो उधर वो कटेंगे। अच्छा, बराबर है। मान लो 45 में अगर बरसिंग लेके जाते हैं तो पूरा अच्छा मुकाबला रहेगा। बात ये बढ़िया रहो मुकाबला, बस दो ही है, बड़ी गल आसान होनी नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात और है, मतलब गाँव के अंदर बीजेपी की वोटर भी तो होंगे पिछली बार वाले? वो पवन नाल सी, वो सारे पवन उधर अड़ गया, इनेलो में जाएंगे वो सारे के सारे। और बीजेपी के वोट और दूसरे लोगों के साथ में नहीं जुड़े हुए थे पवन के अलावा? नहीं, दूसरे नाल नहीं सी। मीनू दी सी वोटा कुछ है। अच्छा, मीनू सीट नहीं मिली फिर। अच्छा, तो वो वोटर बीजेपी में जाएंगे फिर? वो तो बीजेपी वोट घट ही है, इतने ज्यादा है नहीं, डाउन है पहले से, पहले नालों घट है वोट। अच्छा अच्छा, कम ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, बात ये। चलो ठीक है, ये थे मेरे साथ गांव मौजूखेड़ा के ग्रामीण और एलनाबाद विधानसभा का। ये एलनाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर है जी ये गांव, 10 किलोमीटर दूर ये गांव है और 2200 वोट यहां पर है। मेरे साथ इन्होंने ग्रामीण जो बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात जो बताई कि हमें मेहनत करके खाना है, हमें मेहनत की रोटी खानी है, सुबह से काम करके शाम तक जो कमाते हैं वो हम लोग खाते हैं, तो हमें किसी से नेता से कोई मतलब नहीं, लेकिन आते हैं जाते हैं वोट मांगते हैं और हम उन लोगों को जो है वोट देते हैं। तो पिछली बार के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से इनेलो ने जो है बाजी मारी थी, और इस बार अगर इन ग्रामीणों की अगर बात कहें तो इस बार यहाँ पर जो है मुकाबला यहाँ पर टफ मान रहे हैं। तो आगे भी हम लोग अन्य जो है गाँव की तस्वीरें आप लोगों को बताएंगे और भी अन्य गांवों का हालचाल हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ये वीडियो ई समाचार पे देख रहे थे, मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।